इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे इस तरीके का मैच कट इफेक्ट। आपने ये इफेक्ट नीतीश राजपूत के वीडियोस में तो देखा ही होगा, तो आज हम इसे ही ब्रेक डाउन करने वाले हैं प्रीमियर प्रो में। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, उसके बाद जिस भी टेक्स्ट पर ये आप मैच कट इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो वो कीवर्ड आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी सर्च कर लेता हूँ मल्टीमीडिया। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यूज का एक सेक्शन दिख रहा होगा, इसे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको मैं वन बाय वन बताऊंगा क्या करना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले आर्टिकल को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आर्टिकल खुल के आ जाएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो मल्टीमीडिया, ये हमारा टेक्स्ट है जिसपे हम ये मैच का डिफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस पेज का एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बैक करना है, उसके बाद इसी तरीके से आपको सारे आर्टिकल्स को वन बाय वन क्लिक करके ओपन करना है। और जो आपका कीवर्ड है, सपोज मैं यहाँ पे सेकंड वाला ओपन कर लेता हूँ आर्टिकल, तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टीमीडिया, तो यही हमारा टेक्स्ट है जिसपे हम ये इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो जो भी आपका होगा आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसी तरीके से आप 8 से 9 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आर्टिकल्स का। स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद आपको प्रीमियर प्रो पे चले आना है। तो भैया हम प्रीमियर प्रो पे आ चुके हैं, अब आपको क्या करना है, वो सारे जितने भी आपने स्क्रीनशॉट्स 8 से 9 लिए हुए थे वो सारे आपको इंपोर्ट कर लेना है प्रीमियर प्रो पे। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट सारे इंपोर्ट कर लिए हैं ऑलरेडी। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक स्क्रीनशॉट आपको टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब आपको एक चीज इंश्योर करना है कि आपका जो ये टेक्स्ट होगा जिसे आप ये इफेक्ट देने वाले हो उसे आपको सेंटर पे करना है। तो अभी हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे इस लेयर को, उसके बाद इसे हम स्केल करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा इसे राइट कर लेंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि ये है हमारा टेक्स्ट जिसे हम हाईलाइट करने वाले हैं, ये इफेक्ट देने वाले हैं बेसिकली। तो हमें मेक श्योर करना है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है जिसे हम हाईलाइट करने वाले हैं ये हमारा सेंटर पे हो। थोड़ा सा और इतना कर लेते। तो अभी आप देख सकते हो ये परफेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। अब हमें क्या करना है, गाइड्स एंड रूल्स को ऑन करना है। तो गाइड्स एंड रूल्स को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रूल्स, इसे आपको ड्रैग करना है और कुछ इस तरीके से नीचे ड्रॉप कर देना है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइड्स, इसे आपको ड्रैग करना है और नीचे कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे गाइड्स पे क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएगा, यानी कि ब्लू हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे रूल्स पे भी आपको सेम एज इट इज क्लिक कर देना है। तो अभी देख सकते हैं ये दोनों ब्लू हो चुका है, यानी ये ऑन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। अब आपको क्लिक करके नीचे ड्रैग करना है। तो अब आपको क्या करना है, जो हमारा ये टेक्स्ट है जिसे हम ये इफेक्ट देने वाले हैं इसे बेसिकली हमें गाइड से एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो अभी आप देख सकते हो टॉप पे हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम साइड से कुछ इस तरीके से करेंगे और एक हम साइड से लेंगे एंड यहाँ पे लगा देंगे, ऊपर से और एक लेंगे, एक नीचे पे लगा देंगे। अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस बॉक्स के अंदर है। अब आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से हमें हेल्प करने वाला है। अब इसी तरीके से हमें सेकंड स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट कर लेना है टाइमलाइन पे। तो अभी आप देख सकते हो मैंने कर लिया है। अब इसे हमें जूम करना है और जो हमारा ये टेक्स्ट है मल्टीमीडिया इस बॉक्स के अंदर हमें फिट करना है। थोड़ा सा इसे मैं जूम कर लूंगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये फिट हो चुका है। तो बेसिकली ये गाइड्स एंड रूल्स क्या हेल्प करता है, ये अलाइन करने में हेल्प करता है ये जो हमारा टेक्स्ट है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे जितने भी आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं ये सारे वन बाय वन कुछ इस तरीके से आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करते चलना है। अभी मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, बट आप इसे टाइम लेके कीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने सारे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट लेयर हमें क्रिएट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल पे आना है एंड आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू आइटम पे क्लिक करना है एंड यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेना है। अब बेसिकली हमें इसे इम्पोर्ट कर लेना है टाइमलाइन पे। तो हम इसे टॉप पे करेंगे इम्पोर्ट सारे स्क्रीनशॉट के ऊपर। उसके बाद हमें क्या करना है, इफेक्ट्स पे आके गॉशियन ब्लर सर्च करना है आपको एंड इसे आपको इम्पोर्ट कर लेना है अपने एडजस्टमेंट लेयर पे, ठीक है। मैंने कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, गॉशियन लेयर पे आएंगे एंड इसका जो ब्लरनेस है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, कुछ इतना, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, इतना ही करना है। उसके बाद यहाँ से पेंडुल को सेलेक्ट करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो गाइड्स एंड रूल्स है इसे दोनों को ऑफ कर लेना है आपको। इस मीडिया के अंदर आपको एक बॉक्स फिर से बना देना है कुछ इस तरीके से पेंडुल से।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख रहे हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लुमेट्रिक कलर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको ये नहीं दिखेगा तो आपको विंडोज पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लुमेट्रिक कलर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे विग्निटी पे इसका जो अमाउंट है इसे हमें माइनस कर देना है कुछ इस तरीके से, ताकि ये ब्लैक शेड आ जाएगा हमारे वीडियोज में। उसके बाद हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। तो टाइमलाइन को मैं बड़ा कर लेता हूँ अभी फिलहाल। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है कुछ इतना। तो कट करने के लिए मैं ट्रिम यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद मैं शिफ्ट क्लिक करके रखूंगा एंड यहाँ पे कट लगा दूंगा। इधर वाले जितने भी पार्ट है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये सारे स्क्रीनशॉट्स को अब हम अरेंज करने वाले हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट है इसे हमें एज इट इज रखना है। अब ये जो हमारा सेकंड फुटेज है इसे हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर देना है। इसके एंड पे स्टार्ट करेंगे एंड सेम सेकंड वाले के एंड पे फिर थर्ड वाला स्टार्ट होगा। सेम कुछ इस तरीके से हमें अरेंज कर लेना है ये सारे स्क्रीनशॉट्स को। ये जो हमारा एडजस्टमेंट लेयर है इसे हमें स्ट्रेच कर देना है एंड तक, ठीक है, ताकि ये सब पे अप्लाई हो जाए। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये जो टेक्स्ट होता है इसके ऊपर ये एक हाईलाइट इफेक्ट भी होता है। तो इसे कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो इसे करने के लिए आपको रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेना है आप जिस भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेंगे, हमने कर लिया है। उसके बाद आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पे चले आना है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद एसेंशियल ग्राफिक्स पाएंगे एंड इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसका जो फिल है इसका जो कलर है इसे हमें रेड कर लेना है। उसके बाद इफेक्ट्स कंट्रोल पे फिर से आएंगे एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, और इसका जो ब्लेंड मोड है इस अभी ये नॉर्मल है, इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा ये हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। बट आपने एक चीज भी नोटिस किया होगा, बट इसके जो एजेस होते हैं इसमें रफनेस होता है। तो रफनेस कैसे डालना है चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो अभी मैं सेलेक्ट टूल सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद आपको इफेक्ट्स पे आना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है रफन एजेस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रफन एजेस, अभी इसे ड्रैग करना है और ये आपने हाईलाइट इफेक्ट पे ड्रॉप कर देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ एंड तक। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पे आना है एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रफन एजेस। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है इसे हमें इंक्रीज करना है इसका वैल्यू। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि हमारा जो एजेस है वो रफ हो चुका है। तो आपने इसी तरीके का एजेस देखा होगा नीतीश राजपूत के वीडियोस में। तो आपने एक चीज ये भी नोटिस किया होगा कि ये हमारा राइट से लेफ्ट तक एनिमेट होता है। तो इसे एनिमेट कैसे करना है चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो मैं इसे थोड़ा सा टाइमलाइन को बड़ा कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद आपको इफेक्ट्स पे आना है एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है क्रॉप। क्रॉप आपने सर्च कर लिया है, उसके बाद इसे ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है अपने जो हाईलाइट इफेक्ट है उस लेयर पे। तो रेक्टेंगुलर लेयर पे हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूंगा टाइमलाइन को। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है क्रॉप, ये रहा क्रॉप। उसके बाद इसे हमें इसका जो प्ले हेडर है स्टार्टिंग पे लेके आना है एंड इसका जो राइट है यहाँ से इसका वैल्यू हमें माइनस कर देना, कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है, कुछ 79% हमने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे टोंगल एनिमेशन को हमें क्लिक करके ऑन कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो की फ्रेमिंग एड हो गया है। अब हमें एंड पे आना है एंड इसका जो वैल्यू है इसे जीरो कर देना है, ठीक है। अब इसे की फ्रेमिंग को पकड़ के एंड पे कर देना है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो रहा है, बट ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसे हम थोड़ा सा और नीचे करेंगे। तो बेसिकली हमें मोशन पे आना है एंड इसे थोड़ा सा नीचे कर लेना है। ओके, इतना भी ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर ड्रॉप कर लेना है टाइमलाइन पे। तो अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद टाइमलाइन को हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे एंड फिर से यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे टाइमलाइन को, एडजस्टमेंट लेयर को। एंड इस पे हमें फिर लुमेट्रिक कलर पे आना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है, विग्निटी पे इसका जो अमाउंट है इसे हमें माइनस कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा साइड जो है ये डार्क हो चुका है। तो ये हमारा इफेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक क्लिक साउंड इफेक्ट अप्लाई करना है। तो हमें क्लिक साउंड इफेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो ये रहा हमारा क्लिक साउंड इफेक्ट, एक स्टार्टिंग पे रखूंगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसे। हर क्लिप के स्टार्टिंग पे हमें एक क्लिक साउंड इफेक्ट देना है बेसिकली। तो इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा मैच कट इफेक्ट है ये रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये इफेक्ट को क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये इफेक्ट आपको कैसा लगा। एंड अगर आप चाहते हो कि और कोई नेक्स्ट वीडियो मैं ब्रेकडाउन करूं वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो हमें।
अगर अभी तक आपने ये ईशान शर्मा का एडिटिंग ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे इसे जाके देख सकते हो। एंड आई बटन पे भी इसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां से भी जाके इसे देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।